मनकीरत वालों गाने आए हैं जेलों विचों फोन आएंगे इदा उदा हथियारों प्रमोट करता है भी हूँ आप उन्होंने सीएम भगवंत मान तो सिक्योरिटी वास्ते जी परमिशन ली आ कमेंट लोगों का आ भी आ रहे हैं जो तुम आप ऐसे गाने करते हैं आपनी सुरक्षा तुम आप करो इस बारे क्या कहना चाहोगे एक पंजाब दे जिहड़े हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं इलैक्शन तो बाद कोई भी पार्टी आँदी है जिहड़ी जित के आँदी है बहुमत लेके आँदी है तो इहदा मतलब लोगों का उसनूं भरमा हुंगारा मिलिया तो उस दे विच मैं एक बेनती करनी चाहुंदा इस टाइम लोगों को कि जिहड़ी इस टाइम पंजाब की सरकार चल रही है वो कई गुंझलों के फसी हुई है जिदा या अपना भाईचारा कह लो पर मेरी जिहड़ी एक अंदरली इंसानियत है मतलब मैं किसी नाल कोई नजायज कुछ हुंदा है क्योंकि एक आर्टिस्ट है वो बंदा आर्टिस्ट अच्छा है वधिया कलाकार है साडे विचों जदों कोई कलाकार चला जांदा बाद विच दुख मनांदे सारे एक दूसरे के चिड़ते बहुत सड़ते बहुत है खुशी मनाते हैं जो किसी नाल कोई इदां दा हादसा हुंदा है तो मतलब ये नहीं चाहिए कि जिथे तुसी एडी हुंजा फेर जित दवाई है झाड़ू तो एक बेनती मेरी होर है कि तुसी जिहड़े उन्हां दे वादे किए हुए हैं उन्होंने तुसी नकारो उन्होंने कहो कि सानू मान साहब थोड़े जिहड़े वादे किए हुए हैं सानू थोड़ी इस चीज़ की जरूरत नहीं हैगी असी देखना कलाकार किन्ने लोगों का वो हरमन प्यारा कलाकार है इस करके मैं मैनू नहीं पता उन्होंने गल क्या है मैं तो न्यूज़ देखी है न्यूज़ के दे अकॉर्डिंग मैं क्या भी कलाकार भाईचारे को इकट्ठे होना चाहिए इस विषय से क्योंकि किसी नाल भी हो सकता है पर क्यों नहीं असी उस तो पहला ही उस बंदे दे नाल खड़ जांदे जाके उसकी जिहड़ी सपोर्ट हैगी है कई कई तरह असी सपोर्ट कर सकते हैं या असी किसी ना किसी तरीके नाल सरकार नाल असी कलाकार मिलके जा सकते पर साडे विच क्या है साडे कलाकार भाईचारे दे विच जैलसी बहुत है नहीं नहीं गीत एक गीत होंदा है जो ट्रेंड होंदा है जो लोगों की डिमांड होंदी है जो यूथ की डिमांड हैगी है गीत तो गीत है उस गीत नूं असी अपने ते उदा उस तरीके नाल ना टालो गीतां होर भी बहुत वधिया वधिया मैं मां दा गीत गाया है तो बहुत सारे बापू के गीत आते हैं तो लोग जिहड़ी अज की यूथ हैगी अपने आप के क्यों नहीं उस गीत नूं ढालदी जदों कोई असी सभ्यक गल करते हैं कल्चरल गल करते हैं उसनों भी अपने तो लेना चाहिए ना कि वो कोई सेहत की गल कर रहे हैं नशे के प्रति असी रोकते हैं होर कलाकार इस बारे कुछ करना चाहिए नहीं कलाकार मैं तो कहता भी हर एक बंदे खड़ना चाहिए किसी के भी पक्ष के आगे खड़ना चाहिए देखो मैं ये नहीं कहता कि गैंगस्टर उसकी क्या कोई रंजिश है क्या कोई अंदरली कोई जिद है इंटरनली मैं इन गलों कोई मतलब भी नहीं है कुछ भी आप मतलब आप अपने वालों कुछ नहीं कह सकते बड़े बड़े सोल्यूशन है कटना चाहिए कोई ये गल गलत हैगी किसी की जान लेनी ये मेरे जहन से बाहर है मैं चंगा नहीं समझता सत श्री अकाल दोस्तों तुसी देख रहे हो पॉइंट न्यूज अज जिहड़ी शख्सियत नाल तुहानू असीं मिलाण जा रहे हैं पंजाबी इंडस्ट्री के पॉप सिंगर बिल सिंह उन्होंने पिंड पंचे अज मोटर से उन्होंने बैठे हैं असी गलबात करने भाई बहुत बहुत स्वागत थोड़ा पॉइंट न्यूज़ की थैंक यू पॉइंट न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों मेरे वालों जाने बिल सिंह वालों तो थोड़ी सारी पूरी टीम नू मेरे वालों बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी पर मेरी जिहड़ी एक अंदरली इंसानियत है मतलब मैं किसी नाल कोई नजायज कुछ हुंदा है क्योंकि एक आर्टिस्ट है वो बंदा आर्टिस्ट अच्छा है वधिया कलाकार है साडे विचों जदों कोई कलाकार चला जांदा बाद विच दुख मनांदे सारे पर क्यों नहीं असी उस तो पहला ही उस बंदे दे नाल खड़ जांदे जाके उसकी
जिहड़ी सपोर्ट हैगी है कई कई तरह असी सपोर्ट कर सकते हैं या असी किसी ना किसी तरीके नाल सरकार नाल असी कलाकार मिल के जा सकते पर साडे विच क्या है साडे कलाकार भाईचारे दे विच जैलसी बहुत है एक दूसरे के चिड़दे बहुत सड़दे बहुत है खुशी मनाते हैं जदों किसी नाल कोई इदां दा हादसा हुंदा है तो मतलब ये नहीं चाहिए मतलब मैं उन्हां कलाकारां विच ते नहीं है मैं तो खैर अपने आप नूं कलाकार ही नहीं मानता मैं तो एज ए इंसान एज ए इंसानियत मैं हर एक बंदे नाल खड़ जांदा जदों कहिंदे वी गुरु साहब की एक तुसीं वाक सुनिया होना भी जुल्म करना तो जुल्म है ही है पर जिहड़ा जुल्म सहना है वह भी गुनाह है जुर्म देखना भी गुनाह है मतलब ये तिने गल्लां तुसीं नोट करके चलो भी तो उहदा मतलब यह हैगा कि बाकी कलाकारां नूं भी उहदी सपोर्ट विच आउणा चाहीदा है क्योंकि एक आर्टिस्ट है एक कलाकार है वधिया वधिया सानू उसकी अंदरली इंसानियत ते कुछ नहीं लैणा असीं देखणा कलाकार किन्ने लोकां दा उह हरमन प्यारा कलाकार है इस करके मैनूं नहीं पता उहनां दी गल क्या है नहीं नहीं गीत एक गीत हुंदा है जो ट्रेंड हुंदा है जो लोकां दी डिमांड हुंदी है जो यूथ दी डिमांड हैगी है गीत तां गीत है उस गीत नूं असी अपने ते उदा उस तरीके नाल ना ढालो गीतां होर भी बहुत वधिया वधिया मैं मां दा गीत गाया है तो बहुत सारे बापू दे गीत आउंदे हैं तो लोग जिहड़ी अज दी यूथ हैगी वो अपने आप ते क्यों नहीं उस गीत नूं ढालदी जदों कोई असी सभ्यक गल करदे हैं कल्चरल गल करते हैं उसनों भी अपने तो लेना चाहिए ना कि वो कोई सेहत की गल कर रहे हैं नशे के प्रति असी रोकते हैं या असी पानी की बचत बारे दरख्तों बारे मैं प्रचार करता भी बूटे बढ़ने नहीं चाहिए बूटे जिन्ने वध तो वध ला सकते लाओ सानू साडी धरती नूं फायदा हुंदा उसका मतलब ये बुरी चीज़ नूं लोग छेती चक लेंदे है ये गीत नूं गीत तक ही सीमित रहन देना चाहिए है बाकी सिक्योरिटी की गल है कि सिक्योरिटी सरकार का फर्ज बनता जो किसी नाल कोई इदां दी गल हुंदी है सिक्योरिटी देनी बंदा चंगा माड़ा तो बाद दी गल है पहला उसकी जान बचाउणी जरूरी है भाई थोड़े वल तो गाने जिन्ने भी सभ्याचारक आते रहे हैं समाज में सेध दे नाल लैंदे रहे हैं गोलियां मार के जिहड़ी मौत कर दित्ती गई आ धमकी आई आ अगे क्या हुण तुहानूं लगदा वी कोई होर कलाकारां नूं इस बारे कुछ करना चाहिए नहीं कलाकारां नूं मैं तां कहिंदा वी हर एक बंदे नूं खड़ना चाहिए किसी के भी पक्ष के आके खड़ना चाहिए देखो मैं ये नहीं कहिंदा कि गैंगस्टरां नाल उहदी क्या कोई रंजिश है क्या कोई अंदरली कोई जिद है इंटरनली मैनूं इन्हां गल्लां नाल कोई मतलब भी नहीं है मैं तां जिथे तक मतलब जे कोई गाणा उसका आ गया जेलां विचों फोन आणगे या होर भी किन्ने कोई गाने जे वह इस तरह के गाने गाउंदा है तां वह लोग पहलां लोकां ने जिस चीज़ नूं पसंद कर लिया हुंदा ना उस तरह ही मतलब आर्टिस्ट फिर चलता जाता कोई जरूरी नहीं हैगा भी गाणिया करके अपना मतलब किसी की जान ले लीए ये नहीं गाने हाँ वार्निंग दे दो गाने गाने बंद कर दे अगला ऐ सरकार नूं चिट्ठी कढ़ दो सरकार रोक दूगी कि भाई जे तू अज तो बाद इदां दी गलती करूँगा तो फिर मतलब किन्ने ही सल्यूशन निकल सकते तो कुछ भी अपना मतलब अपना अपने वालों कुछ नहीं कह सकते बड़े बड़े सल्यूशन है कढ़ना चाहिए कोई ना कोई ये गल गलत हैगी किसी की जान लेनी ये मेरे जहन से बाहर है मैं चंगा नहीं समझता ठीक है तो जाते जाते हूँ कुछ अपने दर्शकों को कहना चाहोगे तो दर्शकों को मैं कहना अजक मैं देख रहा पंजाब के हालात मैं दोनों गलों बारे लाइव होना सीगा मन कीरत बारे भी तो एक पंजाब के जेडे हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं इलैक्शन तो बाद कोई भी पार्टी आँदी है जी जित के आँदी है बहुमत लेके आँदी है तो यदा मतलब लोगों का उसमें भरमा हुंगारा मिले तो उस मैं एक बेनती करनी चाहता इस टाइम लोगों के जिहड़ी इस टाइम पंजाब की सरकार चल रही है वो कई गुंझलों के फसी हुई है जिदा सेंटर तो प्रैशर पैंदा है उन्होंने तो इधर जिहड़े अपोजिशन वाले है वह प्रैशर पाते हैं कि वादे पूरे करो तुसी ते तुसी दिल्ली क्यों जाते हैं वो लैण वास्ते पैसा लैण वो तो सारे जाते अधिकार है पंजाब हर एक स्टेट का कि जो वह राइट बनता वो उन्होंने लेना है मतलब वो उत्ते प्रैशर है पर असी मैं अपने सारे दर्शकों पंजाब वासियों नूं एक बेनती करनी चाहुंदा कि जिथे तुसी एडी हुंजा फेर जित दवाई है झाड़ू नूं ते एक बेनती मेरी होर है कि तुसी जिहड़े उन्हां दे वादे कीते हुए आ उन्हां नूं तुसी नकारो उन्हां नूं कहो कि सानू मान साहब तुहाडे जिहड़े वादे कीते हुए आ सानू तुहाडी इस चीज़ की जरूरत नहीं हैगी और तुसी डट के कम करो जिहड़ा गंद है पंजाब दे विच ओह साफ करो तो वादे आपे पूरे होंदे रहणगे बाद च क्योंकि सेंटर अपनियां कंडीशनां लागू कर रहा तो वो भी पंजाब सरकार का नुकसान हो रहा
ते क्योंकि हुण इस टाइम मैं सीधी गल कहां कि हार किसी नूं बर्दाश्त नहीं हुंदी, ते हार दा बदला सीधा जाके किसी दा थप्पड़ मारना तो है नहीं। इस तरीके नाल उह अपोजिशन वाले भी इहो जिहे उहनां दे उत्ते भद्दे भद्दे जे इल्जाम जिहड़े लाउंदे आ कि तुसीं जब तुहाडे पल्ले कुछ है ही नहीं, तुसीं क्यों वादे कीते, तुसीं इदां क्यों कीता। मैं अपने लोकां नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं पंजाब सरकार दी सपोर्ट विच खड़ो, स्टेटस पाओ मान साहब दे हक विच कि असीं कुछ नहीं चाहुंदे तुहाडे कोलों। जद तुहाडे कोल होऊगा तुसीं जद दिओ। तुसीं करप्शन दा बीड़ा चक्किआ, होर जो जो तुसीं कर सकदे आ पंजाब दे विचों गंद साफ करो। बस इह मैं अपने लोकां नूं अपील करदा, बेनती करदा कि मान साहब दे नाल तुसीं खड़ो, अपोजिशन वाले ने जां सेंटर ने नहीं खड़ना हैगा। बस मेरी यह बेनती है लोगों को। धन्यवाद सर। सो आ सन साडे नाल बिल सिंह जी, पॉइंट न्यूज़ तो मैं मनदीप सिंह, गुरप्रीत सिंह नाल। होर खबरां वेखण लई साडे चैनल नूं हुणे सबसक्राइब करो।